तब नाम नाम चारुलता। चारुलता। हाँ भवतः किं करोति, नो भवतः किं करोसि, भवतः नहीं। यहाँ पे अभी देखिए, जब जब हम भवतः कहते हैं तो वो आपका या आपकी होता है ना। तो यदि मुझे पूछना कि आप क्या कर रही हैं, तो मैं बोलूँगा भवती किं करोति, भवती किं करोसि। अहम पठामि, अहम संस्कृतम पठामि। ओ, संस्कृतम पठत पठसी भवती, भवती किम लिखसी। अहम संस्कृतम लिखसि, लिखामि। हाँ, अहम संस्कृतम लिखामि। भवती किम वदसी। अहम संस्कृतम वदामि। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम एक आपने पहले ये देखा था। आपको ये वाला याद होगा शायद कि हमने पहले एक बार देखा था कि हम थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी इनमें वाक्यों में जोड़ सकते हैं और ज़्यादा साफ कहने के लिए, जैसे अहम संस्कृते वाक्य लिखामि। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हमने व्यंजन स्वर और व्यंजन सीख लिए थे। हाँ जी, मौसमी तो हम पिछले बार जब मिले थे तो हम ये विभक्तियां सीख रहे थे हाँ जी, अकारांत पुल्लिंग शब्द की। तो ये अभी हम राम शब्द की देख रहे हैं और राम की तरह ही आपको और भी शब्द यहाँ पे कुछ उदाहरण भी लिखे हैं, जैसे वायुयान। तो वायुयान या विमान, राम, बालक, जनक, देव देव देव। तो जो भी शब्द के अंत में की ध्वनि है, लंबे आ की नहीं है, जैसे राम, तो राम म पे वो खत्म होता है। तो वैसे वाले शब्दों को हम अकारांत शब्द कहते हैं और ये पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग अकारांत शब्दों की विभक्तियां ऐसे चलती हैं। तो अब जब हम विभक्ति की बात करते हैं तो विभक्ति का मतलब है कि अलग-अलग समय पे हम उस शब्द को किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, उसके साथ किस तरह के दूसरे शब्द जोड़ रहे हैं। जैसे राम ने, राम जब कुछ काम कर रहा है तो आपको राम ने बोलना है, तो उस समय हम रामह उपयोग करेंगे किसी भी वाक्य में। तो जैसे आप बोल सकते हैं रामह पठति, हाँ चारु जी, चारुलता महोदया लिखति, चारुलता महोदया पठति, गच्छति। तो लेकिन इसमें चारुलता क्योंकि अकारांत शब्द नहीं है, वो आकारांत है, तो वो यहाँ पे उसमें ये विभक्ति नहीं चलेगी, पर राम शब्द जैसे ओजस के नाम में चलेगी, ओजस पठति या ओजस गच्छति। अब इसी शब्द को हमको को में उपयोग करना है, जैसे राम को या किसी भी शब्द को, जैसे नगर। इस यहाँ हमने उदाहरण भी लिया है, नगर शब्द उपयोग किया है। तो हम मैं नगर को जा रहा हूँ या मैं नगर जा रहा हूँ, मैं वडोदरा नगर को जा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा अहम वडोदरा नगरम गच्छामि।
तो अब ये नगरम हो गया, ये द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया का मतलब है उस शब्द को हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कर्म बन गया है यहाँ पे। पहले प्रथमा में क्या था कि वो शब्द जो है कर्ता था, वही काम कर रहा था, राम जा रहा था तो राम काम कर रहा था। लेकिन इस शब्द में नगर को जा रहे हैं हम, तो अहम नगरम गच्छामि, तो नगरम जो है वो द्वितीया है। कर्म हाँ, वो कर्म है, उसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अब तृतीया। तो तृतीया हम कब उपयोग करते हैं, जब हम को से के द्वारा इस तरह की बात बोलनी है उस शब्द के लिए। तो राम से या गाड़ी से, तो यान शब्द यहाँ उदाहरण में आपको दिखेगा, अहम यानेन गच्छामि। तो अब यान जो है गाड़ी के लिए हम उपयोग करते हैं, कोई भी गाड़ी के लिए। तो यानेन ये तृतीया है, और इसी का राम शब्द पे अब लगाया तो रामेण हो जाता है, और बाकी शब्दों का भी वैसे ही होगा। जैसे बालक शब्द तो बालकेन, आपने जैसे देव बोला था तो देव का देवेन। देवेन हाँ जी, इस तरह से ये तृतीया हाँ विभक्ति बनेगी उस शब्द की। तो अहम यानेन गच्छामि, तो मैं गाड़ी से जा रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद अगला है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी हम के लिए के लिए में उपयोग करते हैं, हाँ और इसको याद करने का भी ये अच्छा उपाय हाँ है, इसको स्मरण करने का एक अच्छा उपाय है। प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से के द्वारा चतुर्थी के लिए, तो इस तरह से हम जब एक साथ बोलते हैं तो वो ध्यान में आने लगता है। अब और धीरे धीरे जब संस्कृत उपयोग करने लग जाएंगे तो फिर इसको अलग से ध्यान में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर शुरू शुरू के लिए हर भाषा में कुछ कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो थोड़ा शुरू में याद रखना पड़ता है, तो ये एक उस तरह की चीज है। तो विभक्तियां हम एक बार पूरी लिख लेंगे आठों, तो फिर हम याद रखने का भी उपाय हाँ, अभी बता पांचवी देंगे। है, फिफ्थ, पांचवी, पंचमी, हाँ, तो अभी पंचमी। पंचमी, हाँ, उसके पहले पंचमी। चतुर्थी का भी हमने उदाहरण नहीं देखा है, तो चतुर्थी हाँ नहीं के देख, लिए जो है इसमें राम शब्द का रामाय, बालकाय, देवाय इस तरह से आय लगा दिया शब्द में, तो ये चतुर्थी हो गया, मतलब राम के लिए। तो अब इसका रामाय पूर्ण, तस्मै नमः, हमारे श्लोक में आता है, रामाय तस्मै नमः। हाँ, तो ये आपने शायद पिछली बार भी लिखवाया था, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि राम के लिए नमस्कार। यहाँ पे हमने एक और उदाहरण भी लिया था, रामाय प्रार्थना कुरु, मतलब राम के लिए प्रार्थना कीजिए, राम के लिए प्रार्थना करो। इसके बाद हम लेते हैं उसी की तरह, रामायण की जगह आप देवाय भी कह सकती हैं, शिव भी एक अकारान्त प्रतिम शब्द है, तो शिवाय प्रार्थना कुरु भी चलेगा, वो भी एक वाक्य है। अब पंचमी, ने भी से है तृतीया की तरह, लेकिन पंचमी में थोड़ा सा उपयोग अलग है इसका। इसमें जब कोई चीज अलग हो रही होती है तब हम इसका उपयोग करते हैं, अलग अलग होने वाला उपयोग में इसका काम होगा। तो इसका राम पे पहले देख लेते हैं कैसा होगा। रामात वृक्षात, मतलब वृक्ष से कुछ कोई चीज अलग हो रही है तब हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसका वृक्ष में उदाहरण भी अच्छा मिल जाता है। वृक्षात मतलब वृक्ष से,
पर्णम मतलब पत्ता या पत्ती, पतति मतलब वृक्ष से पत्ती गिरती है। तो इसमें क्योंकि अलग होने वाला क्रिया हो रही है इसलिए वृक्षात हमने उपयोग किया पंचमी। समझ में आया। जैसे मैं बोलता कि अहम यानात आगच्छामि, तो उसका मतलब है कि मैं गाड़ी से अलग होके अब आ रहा हूं, तो मतलब मैं गाड़ी से उतर गया या निकल गया बाहर और अब आ रहा हूं। जी फिर आएगा षष्ठी विभक्ति। हाँ षष्ठी बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी विभक्ति है, बहुत काम में आती है। षष्ठी जो है का के की, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, किसी का, किसी की, किसी के। तो राम शब्द में इसका उपयोग होगा रामस्य, देवस्य, बालकस्य। तो अस्य की ध्वनि हमने अंत में जोड़ दी तो वो षष्ठी बन जाएगी। तो अब इसका उदाहरण, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामस्य फिर से बोलिए। दासोऽस्म्यहम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। मैं आकर श्लोक बोलूं सुनिए तो उसमें आपको आ जाएगा। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे। रामेणा भियता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलये सदा भवतु मे। भो राम मामुद्दर। इसकी आप रामस्य एक दासोऽस्म्यहम्। फोटो लेके भी मुझे भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा श्लोक है इसलिए भी, क्योंकि इसमें राम राम के, रक्षा हाँ का फेमस लोक है। हाँ क्योंकि इसमें राम शब्द की सारी विभक्तियां आ रही हैं एक ही श्लोक में। रामस्य तो दासोऽस्म्यहम्। इसमें रामस्य भी है, रामे भी है, रामह भी है, रामायण भी है, रामाय भी है, रामात सब कुछ है। तो इसका एक फोटो मैं भेजूंगी। भेजिएगा। हाँ वो फेमस है राम रक्षा का। लास्ट सेकंड बट लास्ट लास्ट से आगे का श्लोक है। फिर उसके बाद आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम वरानने, करेक्ट। तो इसको एक बार फिर से बोल दीजिए। रामस्य अहम क्या था? दासोऽस्म्य हमें राम का दास हूं। कहाँ गए राम का दास। एक सेकेंड। हाँ वो अर्थ तो रामस्य मुझे समझ में आ गया, पर रामस्य दासो अस्मि। दासोऽस्म्य अहम् है इसमें। वो अलग होगा थोड़ा। तुम्हें चलेगा दासोऽस्मि चलेगा। अहम् चलेगा। हाँ दासोऽस्मि अहम्, तो मैं अहम् राम का अस्मि। दास हूँ। बराबर। रामस्य दासोऽस्मि अहम्। और इसको थोड़ा सरल वाक्य के रूप में भी यदि हम बनाएं तो रामस्य सेवकः हनुमन्तः। तो राम जी के सेवक हनुमान जी हैं, तो उसमें भी रामस्य आ गया। तो राम आ गया। जी का या राम जी के ये उपयोग है षष्ठी विभक्ति का। इसके बाद आएगी सप्तमी। सप्तमी में है में और पर। तो जैसे घड़े में जल है,
या पेड़ के ऊपर कुछ चिड़िया बैठी है, तो मे या पर जब भी आपको उनका उपयोग करना है तब हम सप्तमी का उपयोग करेंगे, इन या ऑन। हाँ जी, ठीक है, तो ये सबसे आसान विभक्ति है, रामे या देवे वृक्षे। बालू अगरे नगरे। तो अहम नगरे अटामी। अटामी मतलब घूमना, अट जो है घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए उपयोग करते हैं। तो मैं भ्रमामी भी कह सकता था, और मैं एक और भी उपयोग करता हूँ, अहम नगरे वसामी, तो मैं नगर में रहता हूँ। हाँ अहम नगरे वसामी, हाँ, तो यहाँ पे जो है सप्तमी विभक्ति आ गई। इसी तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, चटकह मतलब चिड़िया, वृक्षे वसति, तो चिड़िया वृक्ष पर रहती है। हाँ और अंतिम विभक्ति है जिसको संबोधन भी कहते हैं, वो आठवीं, हे और भो, जैसे हे राम, भो लक्ष्मण। रक्षा है ना, आप राम रक्षा पहले श्लोक से 39 श्लोक है, सब में विभक्ति आई भरी है। भो राम मामुद्र लास्ट से आगे का श्लोक, राम और राजमणि है ना उसमें वो भो राम मामुद्र, राम मेरा हाँ, उद्धार करो, जो राम मेरा विभक्तियां उद्धार तो करो, हर वाक्य में आएंगी ही, विभक्ति के बिना तो कोई वाक्य लेकिन बन ही नहीं सकता, तो राम उसमें रक्षा में और मजा एग्जाम्पल आता बहुत है। अच्छे हैं राम रक्षा में, और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, राम रक्षा में तो अलग ही आनंद आता है, तो हम उसको पक्का उपयोग करेंगे अपनी कक्षाओं में। आप वो वाला स्क्रीन के फोटो लेके भी भेज दीजिएगा मुझे। कौन सा? हाँ, अभी भेजूंगी, आप जो अर्थ के साथ राम भेजूंगी, अर्थ के साथ। हाँ, राम का श्लोक। रामस्य दासोऽस्मि अहम् जो आपने बताया था, वो जिस श्लोक में है वो वाला। हाँ, सबसे लंबा श्लोक है वो, हाँ, इसमें अब 11 शब्द र से शुरू होते हैं, 11 र से, एक श्लोक में अच्छा 11 बार र आता है। अच्छा वही वो राम रामे वही वाला ना, नहीं, ये राम राम हो राम रामे ते। राजमणि सारी सेवते उसमें, रामम रमेशम भजे रामेण भियता निशा चलचम रामाय तस्मै नमः, रामा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दास अच्छा रामे चित्तलय, ऐसा र र र 11 टाइम्स है। अच्छा अच्छा तो उसमें भी तो आता है ना, राम रमे रामे ती। राम रामे तिरा, उसमें तो कम है, 2 लाइन का श्लोक है ना, एक चरण है, ये उसमें चार कम चरण का है। श्लोक है राम हाँ, राजमणि वाला। राम रामे तिरामे तिरमे रामे मनोरमे सहस रामे तत्तुल्यम राम नाम अवरानने, वो 2 लाइन का श्लोक, एक चरण ही है उसमें, श्लोक पूरा है लेकिन उसको आधा श्लोक बोलते हैं, और ये जो हाँ राम राजमणि 4 लाइन का श्लोक है, उसमें 2 चरण आते हैं, उसमें एक ही चरण आता है राम रामे के। मेरे को हाँ राम रक्षा बहुत सालों से लंबे में हार जाती है, 5 6 साल की थी तब से हम बोलते बहुत बढ़िया। तो अब आप विभक्तियां, हैं वैसे भी। तो अब क्योंकि हमने पूरी लिख ली है, तो अब हम बोल सकते हैं वही कि याद करने के लिए, प्रथमा ने मेरे को द्वितीया भी को। बोलना, मैं लिखती नहीं हूँ, मेरे को ये भेजना, ठीक है, रिकॉर्डिंग मेरे को भी भेजना। वो हाँ तो ग्रुप पे आएगी, ग्रुप पे सबको ही मिल जाएगी जिसको हाँ हाँ देखना। मैं लिखती नहीं हूँ ना, मेरे हाथ है हाँ ना अभी एकदम शेक होता है ज्यादा लिखने से, अभी केंद्र भी बंद है तो प्रवचन भी नहीं लिख सकते है ना, लॉकडाउन की अच्छा वजह से सब अच्छा बंद है ना, फिर भी मैं आप इस कम आस से पास लिखती हूँ कम प्रवचन।
अपने हाथ से कम आप उंगलियां बस चला सकती हैं, भले ही लिखे नहीं, पर उंगलियां चलाने से आप अंदाज लगा सकती हैं कि अच्छा यदि मुझे लिखना होता तो मैं ऐसे लिखूंगी, तो वो प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी, अभ्यास चलता रहेगा। तो भले ही आप कागज पे ना लिखें, पर आप हाथ से ऐसे ही अपने हाथ पैर पे हाँ, एक अपन करते हैं ना, ऐसे एक मैं उंगली से सोच रही थी बनाते लंबे हाथी करती हूँ सब, क्योंकि वो आदत है बचपन से स्वाध्याय की वजह से, सब मुंह पे करते हैं, कुछ बहुत सारे सोच मेरे को आते हैं, 15-20 आते हैं बोलने हाँ। को। मैं आपको भेजूंगी हमारी टेक्स्ट बुक है ना, प्रार्थना प्रीति, हाँ मराठी में, हिंदी सब सब लैंग्वेज में आती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अब हम अंशु जी नहीं तो ओजस को मंगाया था, डिक्शनरी मंगाई है उसने, अभी ओजस तक ने। तो नहीं बोला, पर हाँ, मेरे तो बहुत पसंद है, सबको घर में भी आपने देखना भी चालू लगता किया है, उसको? चार से बजा सब देख ली मैंने, सब देख ली। बहुत मजा आता है वो। मेरे 6 बच्चे हैं ना, 6 ना, हाँ पोतरा पोतरी, वो सब हाँ इंग्लिश मीडियम वाले, इसलिए मैंने इंग्लिश भी ले ली। और मेरे लिए हिंदी, मेरे तो इंग्लिश में भी समझ आती है। हाँ जिसको जिसमें समझ में आए, कुल मिला के संस्कृत तक पहुंचना, हाँ, फिर वो चाहे अंग्रेजी जो से कि आए मैंने हिंदी से। उसको संभाल के प्रिजर्व करके रख दिया, और दो मैं यूज करती। बहुत बढ़िया। कोई भी किताब हो ना कागज की, सुने मैं एक मैसेज देती हूँ, उसको ही ना प्लास्टिक बैग में फिट करो, पॉलिथीन बैग, नहीं तो जो ऑक्सीजन है ना, हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन, वो हमारे लिए प्राण वायु है, लेकिन पुस्तकों के लिए अंगार वायु है, उससे सड़ जाता है, ऑक्सीजन येलो हो जाती है किताबें, उसे व्हाइट रखना तो उसको बैग में पैक करो। तो कवर उसका एक जो एक था बुक का कवर एक एक सफेद बैग रहता। चाहिए, कवर नहीं, कवर तो करने का, लेकिन फिर उसको बैग में डालने का, प्लास्टिक की जो बैग पॉलिथीन, वो बैग आती है ना जिप लॉक, उसमें जिप लॉक में अच्छा बिल्कुल हवा नहीं चलेगी। मेरा बेटा आर्किड देखते हैं ना, मेरा बेटा, तो उसने हमको सीखा है, उसको जो मैप होते हैं ना घर के वगैरह ऑफिस के, हाँ, वो 100 साल संभालना पड़ता है, 100 ईयर, करना पड़ता है। कोई मांगेगा तो क्या देगा उसको, तो उसमें ही रखता है। तो अच्छा, मैं, मेरे दादाजी का मीटिंग जो है 50 पीस रखा था, मैं पांच इसी रखता। मिनट अभी ये मीटिंग 5 मिनट में खत्म होने वाली है, तो आपको फिर से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। हाँ, ये आपने क्या लिखा, अश्व, आम्र, तो इष्टिका, अब इष्टिका क्या है, ब्रीक। तो अच्छा अभी हम एक एक करके सीखेंगे, हमको सिर्फ शब्द नहीं अच्छा सीखना है, हम उनके साथ वाक्य सीखेंगे, ठीक अच्छा सेंटेंस। है? हाँ, तो चारुलता महोदया, अश्वः धावति वा? अश्व धावती, हाँ दौड़ता है, और जब भी प्रश्नवाचक बनाना है तो मैं अंत में वा लगा सकता हूं। अच्छा तो अश्वः धावति मतलब घोड़ा दौड़ता है, और वा आपने जैसे लगाया है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या घोड़ा दौड़ता बराबर। है, तो आप सीधे उसका आम में जवाब दे सकते हैं, आम अश्वः धावति, या फिर आप कह सकते हैं कि न अश्वः न धावति। तो आप जो भी कहना चाहती हैं, चाहे वो हाँ में बोलना है चाहे ना में बोलना है, दोनों का आपको पता रहना चाहिए। तो बोलिए आप इसका, यदि नहीं बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे कि नहीं दौड़ रहा? अश्व न धावती, हाँ, अश्व न धावती। बालक धावती, अस्य बालक धावती, बालक भी हो बालक सकता का, है ना, हाँ। हाँ, अस्य बालक धावती, अस्य मृषक बहुत धावती, उंदर, अस्य मृषक धावती, हाँ, तो बालक का दावती तो हो गया, पर उसका अश्व से कोई संबंध नहीं है, तो बस उतना ही है कि घोड़ा तो नहीं दौड़ रहा, पर लड़का जरूर दौड़ रहा है। तो अब एक दौड़ता हुआ लड़का भी बना के देखते हैं यहाँ पे। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, दोस्त ऐसे ही करते हैं, ड्राइंग अच्छी है आपकी।
चित्र कला। धन्यवाद चारुलता महोदया। बहुत अच्छा पिक्चर हुआ बालक का। हाँ तो अब धान भी दौड़ता हुआ लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर उसका पैर हाँ आगे है ना, एक पैर आगे है, पैर अच्छा आगे लगता है। है। हाँ तो अब आप कह सकती हैं कि अश्व न धावती बालक धावती, है ना। बराबर। एष आम्रम किम वर्णम। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एष आम्रम मतलब ये आम किम वर्णम मतलब किस रंग का है। अस्याम पीतवर्णम एष आम्रम तो आप अस्य क्यों बोल रहे, एष बिकॉज अस्य आम्रम। का मतलब है कि मेरा, अच्छा नहीं अस्य का मतलब है हमारा या ये, तो लेकिन आप बोलना चाहती हैं अभी एष आम्रम जो, तो ज्यादातर जिस जिस तरह से वो प्रश्न पूछा गया है उसी तरह से आप यदि उत्तर देंगी तो वो समझ में आएगा। तो मैंने पूछा कि अश्याम तो पीतवर्णम। एष, हाँ तो एष आम्रम पीतवर्णम। बाकी लोग जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे कम उनको भी समझ में आएगा। मेरा तो जैसे मैंने पहले घर ईंट का बना हुआ है तो क्या बोलने का। मेरा घर इष्टिका का बना हुआ है। मामा गृह हाँ तो अब इष्टिका जो है, इष्टिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, आर से खत्म होता है तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो इसकी विभक्ति थोड़ी सी अलग होती है। अच्छा। जैसे आप यदि किसी पुस्तक में देखेंगी विभक्तियों के उदाहरण, तो लता माता इनके जो विभक्ति है वही इष्टिका में भी चलेगी। पर आप थोड़ा और आसान सरल वाक्य बोल सकती हैं कि मेरे घर में ईंट है, या मेरे घर ईंट ईंट का बना है की बोलने की जगह ईंट है भी बोल सकती है, तो मम गृहे इष्टिका अस्ति, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि आपके घर। मम गृहे इष्टिका अस्ति। और वैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का मैं एक सेकेंड यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का एक सेकेंड। हाँ तो उसकी जो आ की मात्रा है वो हट जाती है और उसके आगे या लग जाता है, तो जैसे लता अच्छा शब्द का होता तो लत या मात या ऐसे हो जाता, तो अब हम इष्टिका का करेंगे तो वो इष्टिक या। इष्टिक या तो ये है तृतीया विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की, तो तृतीया मतलब ईंट से या ईंट के द्वारा। तो हाँ आपको जी। वही बोलना था कि मेरा घर ईंट से बना है, तो आप बोल सकती हैं कि मम गृहम
मम गृहम इष्टिकया निर्मितम। तो अब ये वाक्य जो है आपने पूछ तो लिया, पर ये वाक्य बहुत एडवांस्ड वाक्य है, मतलब अभी संस्कृत सीखने के हिसाब से, क्योंकि आपने बना है बोला है, और बना है का मतलब है वो बन चुका है, तो वो भूतकाल है। हाँ, और हम अभी सब कुछ वर्तमान काल सीख रहे हैं, तो भूतकाल अभी हम कोई क्योंकि बात नहीं नहीं, सीख बेटा रहे। को याद आ गया। ओके ओके। हाँ, फिर भी मैंने आपको अंदाज तो दे दिया कि कैसे वो वाक्य बनेगा, मम गृहम इष्टिकया निर्मितम। अब असल में यहाँ पे इष्टिका के लिए आपको बहुवचन भी उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इष्टिकया जो है ये एक वचन है। बहुत ज्यादा है। हाँ, तो क्या होता है बहुवचन? तो अब बहुवचन के लिए उसका उसके विभक्ति के बहुवचन रूप अलग होते हैं। तो जब हम विभक्तियां बहुवचन में सीखेंगे तब उसका और काम आएगा। तो जैसे इसका इष्टिका भी, ये बहुवचन है। तृतीया विभक्ति में बहुवचन। तो अब ये पूरा यदि हम तालिका को याद करें, और वो तालिका अंततः तो याद करनी पड़ेगी, शुरू शुरू में याद करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है, समझ में आने लगता है, तो फिर हम निर्णय ले सकते हैं कि कब बहुवचन करना है, कब एकवचन करना है, कब तृतीया करनी है, कब द्वितीया करनी है। तो इष्टिका भी या लता भी इसका बहुवचन है तृतीया का। तो कोई चीज लताओं से भरी है तो आप तब आप वहां पे लता भी उपयोग करेंगी। अभी इष्टिका भी लगाए हैं तो आपके घर, आपका घर ईंटों से बना है, तब वो उपयोग सही हो जाएगा, इष्टिका भी। ये एक है और ये अनेक है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से 5 बज गया है, तो अब हम रुक जाते हैं। और अच्छा हो गया, आज थोड़ी आगे बढ़े हम। रिवीजन हो गया विभक्तियों का, पुनरावर्तन, हाँ, पुनरावृत्ति भी हो गई, और नॉट रिवीजन, पुनरावर्तन। हाँ पुनरावृत्ति भी हो गई, पुनरावलोकन भी हो गया। पुनरावलोकन भी कह सकते हैं, मतलब फिर से देख लिया, और पुनरावृत्ति मतलब फिर से हो गया, तो दोनों चलेगा यहाँ पे। अवलोकन मतलब देखना है ना। तो चलिए फिर पुनः मिलामः चारुलता जी, नमस्ते। रिकॉर्डिंग भेजना है अंशु, ओजस को मेरे को भी भेजना, वो तो ग्रुप में मेरे को भी भेजूंगा, भेजना। ग्रुप में आएगी अच्छा, हाँ, तो ग्रुप सबको। में आ हाँ जाएगा, सबको आ हाँ जाएगा। अच्छा, ओजस की एग्जाम चलती है अभी? एग्जाम चल रहा था उनका। हाँ अभी बताया हूँ, उनकी परीक्षा चल रही थी। कोई बात नहीं, वो ठीक है, तेजस्वी लड़का है, बोरी बोरी में रहता है, मेरे को एड्रेस दिया उसने। अच्छा। मैं चाहूंगी ना, जब बम्बई तो हाँ उसके घर जाने, बिल्कुल मैंने उसको बिल्कुल पोता मानना है अभी, मेरा पोता। वो इतनी है ना भक्ति, उतनी उम्र की है, छोटी है 3 महीना, लेकिन अच्छा, वह मेरे को बराबर, बहुत अच्छा लगभग लगता है। बराबर वो है। हाँ तेजस्वी लड़का है, बहुत तेजस्वी, ओजस्वी तेजस्वी दोनों उसका है। नाम भी वैसे ही है। हाँ, और ब्राह्मीण है ना, उसके क्या है, नस नस में ये विद्या बहती है, संस्कृत ब्रह्म विद्या नस नस में भरी हुई है। मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो हमारे में कम है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, ब्राह्मणों में होती है। हम क्षत्रिय है, राम के वंश है हमारे। अच्छा, सब कैसी मजे में घर में, दुष्प्रति। पिताजी अब आ गए, बाहर गए थे ना साउथ में। हाँ वो तो